just ready to leave for Kalantahar. जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी सुनहरी धूप है और यही अच्छा मौका है कहीं दूर घूमने फिरने का। जगह है यहाँ पर से हम अभी निकले। जैसे कि आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली है, कितना खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, है ना अब्दुल रफी? यस, नेक्स्ट टाइम हम जरूर अपनी फैमिली के साथ यहाँ जाएंगे। ओके गाइस, अब हम कलकहार की तरफ रवाना हो रहे हैं। ओए देखो त्रय जलम कितना बड़ा है ये, है ना? हाँ जी। वाओ यार कितना जबरदस्त है, जाए तो लगता बीच में जमीन भी है इसके बहुत बड़ी सारी। यस, इसमें पानी बहुत कम है। इसमें पानी बहुत नहीं, ये दो साइडों पे देख ना, मेरे तो दिल कह रहे हैं मैं इसमें तहर लूं। बहुत बड़ा ये, इसको जहर चाहता हूं। नहीं आप डूब जाओगे। मुझे हंसी का दौरा शुरू हो गया पहाड़ों को देख के। ओके गाइस, अब हम पहाड़ों के ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, और बहुत जल्द ये वाजे नजर आना शुरू हो जाएंगे। चले 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 चले, देखो हम पहाड़ों के पास आ गए। बहुत ही वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा तो दिल जा रहा है मैं चढ़ जाऊं। आ देखो कितना अच्छा मंजर लग रहा है ये वाला। वाह वाह, अब ये हम पहाड़ों के ऊपर आ चुके हैं और जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। कितना खूबसूरत मंजर है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम कब रुकने वाले हैं, रुक भी जाओ, सारे पहाड़ गुजरेंगे तब रुकेंगे। अभी तो बहुत लंबा सफर पड़ा है, अभी भी हमें थोड़े 20 minutes, about 20 minutes। व्यू बहुत प्यारा है, ये देख व्यू कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से ज्यादा अच्छा मंजर लग रहा है। वाओ, हरियाली ही हरियाली हर तरफ। Finally we reached Kalakahar. वाओ, किस कदर खूबसूरत झील है, इसमें तो डूबने को दिल कर रहा है। इसमें डूब नहीं सकता बंदा, इसमें सॉल्ट इतना होता है कि बंदा ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। आप बोटिंग ट्राई कर ले, वरना हो सकता है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा यहाँ पे झूले भी हैं जी। वाओ देखो कितना जबरदस्त है, कितने सारे झूले हैं गाइस। देखें कितना खूबसूरत मंजर है, पहाड़ हैं और झूले हैं,
यहाँ पे, और झील भी है साथ में, नीला आसमान, बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये, बहुत ज़्यादा। ये देखिए किस कदर खूबसूरत मंजर, और पाकिस्तान का फ्लैग, वाओ। ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं हाइकिंग करने। अच्छा, काफी रॉकी प्लेस है ये, हले ध्यान से चढ़िएगा कहीं गिर ना जाइएगा। हरी जाए तो मेरे तो सांस चढ़ गया है, यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल काम था, यहाँ सच में चढ़ना बहुत मुश्किल काम था, आखिरकार लिया हाला हम बहुत मुश्किलों से ऊपर पहुंच ही गए हैं। हाँ जाने था, मेरी तो तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है, सॉरी गाइस, मैं इतना कैप्चर नहीं कर सकती हूँ, बस जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के खातिर, क्योंकि एक दिन में इतना ट्रैवल और आना जाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे, मेरा तो सांस फूल गया है, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी है मुझे दे दिएगा? हाँ मेरे पास है, मैं देती हूँ। जाने तो मुझे भी देना प्लीज, बहुत ही प्यास लग रही है और गर्मी भी बहुत है। कि गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे झूले नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सामने झील है और नीला आसमान, इर्द गिर्द आपको घर भी नज़र आ रहे होंगे ना। यहाँ पे ना फैमिली के साथ वाकई आना चाहिए, अभी तो हम सिर्फ मैं, जाने तो और अब्दुराफे आए हैं, तो बहुत खूबसूरत है ये। ओके गाइस, सूरज ढल रहा है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। वैसे मुझे बहुत मजा आया, लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ, तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी और मैं उतरते हुए वीडियो नहीं बना सकी, कुछ कैप्चर मैं नहीं कर सकी सही से, लेकिन आप लोगों को मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप जाएं अपनी फैमिली के साथ, ज़रूर ऐसे प्लेसेस पे जाना चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।